नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। ग्राम पंचायत सोही बेलहा में वाटर शेड कमेटी के द्वारा यूके लिप्टस का वृक्षारोपण किया गया था। ग्राम प्रधानों पर यूके लिप्टस की अवैध रूप से बिक्री के आरोप लगे हैं। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत सोही बेलहा में 1996-97 में वाटर शेड कमेटी के द्वारा यूके लिप्टस का वृक्षारोपण किया गया था, जिसका प्रयोग ग्राम पंचायत के लिए किया जाना था। बाद में कमेटी ने इसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया था, जिसकी देखरेख ग्राम पंचायत और वाटर शेड कमेटी के सदस्य कर रहे थे। इसकी बिक्री राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में नीलामी के रूप में कराई जानी चाहिए। इससे बिना जानकारी के बेचना अवैधानिक है। गोविंद प्रसाद केवट। अच्छा, यहाँ पे एक वाटर शेड कमेटी गठित की गई थी, जिसके द्वारा कई वर्ष पूर्व लिप्टिस की खेती की गई थी, लिप्टिस के पेड़ लगाए गए थे। तो उसपे किस प्रकार का मामला है, किस प्रकार का आरोप लगाया है आपने? जब एक कमेटी बना था उस समय उस कमेटी का मैं सचिव था। अच्छा, वाटर शेड कमेटी का वर्तमान में वो कमेटी अभी संचालित है? वो शासन उनको उसी समय जब कार्यकाल खत्म हुआ तो उपयोगकर्ता दल समूह बना करके उनको सौंप दिया गया था। अच्छा, सब दिया गया था कि देख रेख इनकी उसमें होगा और जब भी इसका वो होगा तो मैंने उपयोगकर्ता दल ही इसका विक्रय करेगा। विक्रय करके कुछ अंश जो है उसमें उस विकास खाते में जमा कर देंगे और कुछ माने उन हितग्राहियों को वितरण कर दिया जाएगा। तो यही हुआ था। और इसके बाद ये वो लोग देख रेख करते रहे, हम लोग सब कोई देख रेख करते रहे उसका। आज ये कौधा तैयार हो गया है, लेकिन पता चला है कि पंचायत से चोरी चोरी में उसको बेचने की तैयारी चल रहा है, जबकि उसको सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बेचना चाहिए। एक राजस्व की भूमि में है, उसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी उसमें नियुक्त होगा, तहसीलदार या SDM कोई भी जिनको कलेक्टर नियुक्त करे, तो आके यहाँ नीलामी करवाएंगे है? और विज्ञापन छपेगा पेपरों में। इस समय तो लॉकडाउन के चलते कोई पेपर भी नहीं निकल रहा है, हैं? सभी चोरी है, इस समय सब काम बंद है। तो इसलिए ये मेरे को किसी ठेकेदार ने बताया, आया था इसके विक्रय के बाद खरीदने के उसमें, तो मैं बोला कि अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है, इसके कोई वो नहीं है, सब इसका वो होगा, ग्राम सभा करेंगे बैठ के गाँव वाले, सब इस पर निर्णय लेंगे, अभी तो लॉकडाउन में कुछ नहीं हो रहा है। तो बोले कि यार वो तो सरपंच प्रस्ताव दे दिया है, मंगलवार के दिन वो कटना शुरू हो जाएगा किसी 26 तारीख से। तो किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप इस पे? हम तो चाहते हैं कि रोक दिया जाए, आम जन के लिए है। और दूसरी बात यह है कि एक वहाँ अगर वो पेड़ कट जाएंगे तो वहाँ पंचायत भवन है, हॉस्पिटल है, वीरान हो जाएगा पूरा। अभी गाँव की सुंदरता है वृक्षों के जरिए, हवा अच्छा मिल रहा है, सब कुछ वातावरण सही है। इसके चलते हम चाहते हैं कि वो न बेचा जाए। एक बार इसको माने तत्कालीन सचिव के द्वारा, सचिव सरपंच के द्वारा नीलामी को किया गया था, तो हम लोग शिकायत किए थे कलेक्टर के यहाँ 181 में CM हेल्पलाइन में। वहां से आए उस समय राम बाबू देवांगन तहसीलदार थे, तो आके रोक दिए थे और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सब रोक दिया गया था कि ये नहीं बिकेगा। जब भी बिकेगा ये राजस्व अधिकारियों, राजस्व की जमीन में है, ये राजस्व अधिकारियों के उनके सानिध्य में ही कार्रवाई की जानी चाहिए, पूरा विधिवत वो होगा। इसमें हमारा इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। वाटर शेड कमेटी एक अलग कमेटी है। अच्छा, लेकिन इसमें तो ये अपना माने कुछ दलालों के जरिए हो सकता है कि इसको मिलकर बेच न दें, तो हम चाहते हैं कि तत्काल रोका जाए। इसकी शिकायत अभी आपने की है कहीं? अभी शिकायत 181 में अभी किए हैं ऑनलाइन। अच्छा, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कहीं कहीं आने जाने खुला पत्र आवेदन जाने कोई हुए नहीं है इस समय, कहीं किसी ऑफिस में जा नहीं सकते, लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहते हैं। जी जी, धन्यवाद।